किसानों के लिए उनके मुआवजे की बात यदि मैं कहूं तो 2015 में जब सफेद मक्खी का अटैक नर्मा कपास के ऊपर हुआ उस समय हमारी सरकार ने 700 करोड़ रुपया मुआवजा इलाके में दिया था भाई बहनों। हरियाणा में फसलों के खराब होने पर जितना मुआवजा हमने आकर के 5 साल में दिया इतना तो हरियाणा के 48 साल के इतिहास में नहीं मिला होगा जितना हमने दिया है। और फिर यही नहीं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, इनके सबके लिए विकास की योजनाएं, इनकी भलाई के, इनके हित की योजनाएं केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं और उनको लागू करने में हरियाणा सरकार को जो अपना योगदान करना होता वो भी हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी पिछले दिनों में किसान सम्मान निधि 6000 रुपया साल का, जिसकी 2 किस्तें जारी हो चुकी हैं। और ये देश भर में सब ऐसे किसान जो 5 एकड़ तक की खेती करते हैं पहले उनको दिया गया, बाद में 5 एकड़ की सीमा भी खत्म कर दी गई है। 15.5 लाख किसान हरियाणा के इससे लाभान्वित हुए हैं। हमने किसानों की पेंशन भरे, मजदूरों की पेंशन भरे, छोटे व्यापारियों की पेंशन भरे, इसके लिए मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार समृद्धि योजना ये बनाई है जिसमें साल का 6000 रुपया उसके जितने किस्तें होंगे, जितने भी उसमें प्रीमियम होगा सब उससे भरा जाएगा। अब आपको उसमें से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर कोई पैसा बचता है तो आपके खाते में जनधन अकाउंट में सीधा जाएगा। मित्रों आप लोग तो एक काम करिए, अपने परिवार का पहचान पत्र ये बनवाइए और उसके बाद ये जो परिवार समृद्धि योजना है इसका अलग से फॉर्म भरा जाएगा। आजकल भरवाने शुरू कर दिए पिछले 10 दिन से, बहुत जल्दी से इन फार्मों को आप भरवाएंगे तो निश्चित रूप से उसी समय ये सब योजनाएं लागू हो जाएंगी। हमारे किसानों को जब उन्होंने पैक्स की सोसाइटियों के कर्जे लिए, वैसे तो पैक्स सोसाइटी के कर्जे पर ब्याज मुफ्त है, फ्री ब्याज का वो यानी लोन होता है, लेकिन बहुत हमारे किसान भाई टाइम से उसको भरते नहीं है और ना भरने के कारण से उनके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, उनके ऊपर जुर्माने लगने शुरू हो जाते हैं। जब हमने देखा हरियाणा का 10 लाख किसान ऐसा है, 10 लाख किसान है जो इस चक्र में फंस गया कि उनके खाते बंद हो गए, उनके खाते NPA हो गए और उनको दोबारा से बीज खाद और जितना सहूलतें मिलनी थी वो मिलनी बंद हुई। हमने आकर के अभी उन किसानों के जितने ब्याज है, जितना जुर्माना है, लगभग 5000 करोड़ रुपया बनता है, वो सारे का सारा माफ कर दिया। मित्रों 10 लाख किसानों का लाभ हुआ है और अब आप जा करके अपने पैक्स सोसाइटियों से खाद भी, बीज भी, पेस्टिसाइड्स भी वो सब ले सकते हैं और अपने खाते को दोबारा रिन्यू करा सकते हैं। हमने भाइयों बहनों गरीब परिवारों के घरों में रसोई गैस, हर घर में LPG का कनेक्शन ये पहुंचा दिया है। कोई घर आज ऐसा बचा नहीं है जिसके घर में नहीं हो और आने वाले 5 साल में हर एक परिवार की रसोई में पानी सीधा नल उसकी रसोई में जाएगा, नल से जल उसकी रसोई के अंदर टूटी अपना घुमा करके पानी निकाल लो। हमारी माताओं बहनों को घर से बाहर पानी घड़ों में, टोकरी में, पेंडे पर लेके आना नहीं पड़ेगा, घर के अंदर पानी पहुंचेगा। खेतों में रास्ते 5 कर्म के बना लेते थे लेकिन अब 4 कर्म के और 3 कर्म के ये रास्ते भी अगले साल के लिए योजना में हमने सारे खोल दिए। भाई बहनों अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, खेतों के अंदर भी पक्के रास्ते आपके होंगे। हमारा जो हमारा ये मिलता है हमको डिपो पर अनाज मिलता है, राशन का अनाज, पहले इसके अंदर कितनी चोरी हो जाती थी, साल में लगभग 1 महीना तो हमारा अनाज गायब ही हो जाता था। हमारे साथ में खड़े हैं फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि अब कंप्यूटर की मशीन से जितना अनाज आप लाओगे उतना ही चढ़ेगा, बाकी आपका बचा रहेगा, कहीं से ले आओ। एक डिपो होल्डर गड़बड़ करे तो जाके दूसरे डिपो होल्डर से ले आओ, कहीं से भी आप अनाज ले सकते हो। अब उसमें कहीं गफलत नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमने भ्रष्टाचार
इसको समाप्त करने के लिए बहुत कदम उठाए। ट्रांसफर्स की एक पॉलिसी बना दी कि कर्मचारियों के ट्रांसफर में जो पैसे लिए जाते थे वो भाइयों बहनों बंद कर दिए हैं। नौकरियां, अब सब नौकरियां आपको मेरिट पर मिलती हैं। अब किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, पैसे लेकर के नौकरी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आपको बिना पैसे के, बिना पर्ची के, मेरिट के ऊपर नौकरियां इस इलाके में मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? कोई पैसा लगा? अगर किसी ने पैसा लिया हो, किसी ने दिया हो तो बता देना, दोनों को उठा के रगड़ देंगे। भाइयों बहनों, पैसा नहीं देना किसी को भी, किसी को पैसा नहीं देना। ये जो दलाल घूमते थे छोटे छोटे काम कराने के लिए, आपकी जेब से कोई 1,000 रुपए निकालता है, कोई 2,000 रुपए निकाल देता है और फिर आपका काम करा लाया, एहसान और चढ़ाता है। इन सब दलालों के, इन सब मिडलमैन बिचौलियों के कुर्ते पजामे हमने खूंटियों पर टंगवा दिए। भाई बहनों, अब कोई बिचौलिया नहीं आएगा। कहने के लिए बातें हमारे पास बहुत हैं। हमने गरीबों के लिए, गांव के लिए ये सब काम किए हैं। अगर आपको लगता है कि 5 साल हमने कोई समाज के लिए, हरियाणा के लिए अच्छा काम किया है, आप बताएंगे हमारे काम से आप पसंद, आप खुश है कि नहीं है? आप खुश है कि नहीं है? जरा हाथ कम खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे काम से संतुष्ट है, खुश है, तो हमको अगले 5 साल के लिए आप सिरसा की 5 सीटों पर अपना आशीर्वाद देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखो, हम आपके लिए डबल गति से काम करेंगे। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारा स्वागत किया, आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।